जोगिंदरनगर के राजीव गांधी कॉलेज के बिल्कुल पास अनसेफ घोषित हुआ भवन नशेड़ियों का मुख्य अड्डा बनता जा रहा है। लगभग 3 साल पहले असुरक्षित घोषित हुए इस आवासीय भवन के अंदर का नजारा देखते ही बनता है। भवन के कमरे में शराब की बोतलों के साथ साथ अन्य चीजों के ढेर लगे पड़े हैं। कॉलेज के मुख्य गेट के सामने ये भवन है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी पुलिस को सादी वर्दी में रैकी करने के लिए कहते हुए सुने जा सकते हैं। वहीं कॉलेज के ऊपर जो एग्रीकल्चर विभाग की जगह है, वहां भी दिन के समय में ताश खेलने वालों की टोलियां देखी जा सकती हैं। हालांकि मात्र 300 मीटर की दूरी पर एसडीएम कार्यालय और 400 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन यहां बैठकर ताश फेंटने वालों को किसी का डर नहीं है। कॉलेज के मुख्य गेट से रोजाना स्टाफ का आना जाना है, पर किसी ने इस बारे में कदम उठाने में हिम्मत नहीं जुटाई। वहीं गेट के सामने गंदगी के ढेर भी देखे जा सकते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदर नगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। अगर आप भी बनना चाहती हैं मिस हिमाचल तो तैयार रहें। ऑडिशंस शुरू 7 मार्च से। जल्द आ रहे हैं आपके शहर। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें मिस हिमाचल के फेसबुक पेज और फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। भाई हेलमेट तो पहन ले। ओ नहीं यार, बाल खराब हो जाएंगे। जान ही नहीं रहेगी तो बालों का क्या करेगा, चल हेलमेट पहन। हिमाचल प्रदेश में इस साल अभी तक 1501 एक्सीडेंट हुए, 2133 लोग जख्मी हुए और 706 लोगों की जान भी गई। हेलमेट पहनेंगे तभी तो ये रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे और हम जिंदा रहेंगे। टू व्हीलर्स चलाते समय दोनों यात्री BSI प्रमाणित हेलमेट ही पहने। यातायात नियमों का पालन करें। रोड सेफ्टी सेल हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।